अखिल भारतीय ग्रामीण महिला सम्मेलन के लिए नानी बहू लक्ष्मी और जैतून नई दिल्ली पहुंच जाते हैं। गलत तारीख लिखने की वजह से उन्हें लेने के लिए स्टेशन पे कोई नहीं आया है। अरे असल में तो हम गांव से 16 तारीख को निकले थे। तो फिर हाँ, ये तो हमने लिखा ही नहीं कि हम 16 को निकलेंगे, 17 को यहाँ पहुँचेंगे। आज 17 तारीख है। हाँ? हम लोगों ने ठीक से गिनती करके लिखा चाहिए था। एक अनपढ़ बूढ़ी माँ को ऑटो वाले सता रहे हैं। ये तीनों उसका पता पढ़कर उसे उसके बीमार बेटे तक पहुंचा देते हैं। और दोनों की दुआएं पाते हैं। अब उन्हें पहुंचना है अखिल भारतीय ग्रामीण महिला सम्मेलन में। अच्छा, घर का पता बता दो। मांडा गांव से आई हूँ, महाराष्ट्र। तो आपके रहने का इंतजाम वही किया है और यहाँ सम्मेलन है। अच्छा, तो आपका नाम? जैतून शेख। आयु? आयु 3/2, 32। 32। और घर का पता? वही है। मांडर का। तो आप महाराष्ट्र से आई हैं और ये राजस्थान से आई हैं। नमस्ते जी। वही रहने का इंतजाम है। लक्ष्मी यादव। आयु? आयु नमस्कार। बड़ी खुशी हुई कि आप लोग दिल्ली में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन यहाँ पर भाग लेने के लिए आप लोग सब आए हैं। यहाँ पे मुझे देखकर ये बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब भी इस चीज से परिचित हो गई हैं कि यहाँ पर आपकी कहीं कोई भागीदारी है देश में अपना कर्तव्य निभाने में और अपने अधिकारों को जानने में। अब आपने पढ़ लिख कर ये जानकारी आ गई होगी कि आप भी और आदमियों की तरह से, आपका भी दिमाग है, आप खुद काम कर सकती हैं। तो इसलिए बहनों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस देश में आदमियों के बराबर आपकी भी ताकत है। आप उनसे ज्यादा बढ़कर सोच सकती हैं और काम कर सकती हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप इसको आगे बनाए रखेंगी, मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं और फिर से आप इस सम्मेलन में आएंगी, इसके लिए मैं आपके लिए फिर से
प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। बहनों नमस्ते। आप सब भारत के अलग अलग राज्यों से आके यहाँ आपने कैसे पढ़ना लिखना सीखा और उससे आपको क्या फायदे हुए ये बहुत अच्छी तरह से बताया। साथ साथ कुछ औरतों ने ये भी बताया कि पढ़ने लिखने से उनको अपनी आय बढ़ाने में कैसे फायदा हुआ है। कुछ बहनों ने यहाँ उनके स्वास्थ्य के बारे में, उन्होंने गाँव में क्या करना चाहती है, इनकी जानकारी उनको पढ़ाई से हासिल हुई है। हम भी यही चाहते हैं कि ऐसे ही पढ़ाई से आपको और जानकारी मिले और ऐसे ही आप अपनी और अपने गांव की तरक्की इसी तरह करते रहे। धन्यवाद। मैं भी पहले पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, हूँ मैं थोड़ा जहा पढ़ना लिखना सीखा। राजस्थान में बड़े बड़े दूर दूर स्कूल थे, पास स्कूल नहीं थे तो हमारे माँ पिता पढ़ा नहीं सके। जब हम ससुराल आए तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने लगे तो हम भी सोचा कि अपने भी बच्चे उनको पढ़ाएं लिखाएं तो कुछ काम सीखेगा और आगे बढ़ेगा। जैसे अब हम भी, हमारा भी दिल तरसता है कि अपने भी पढ़ते तो और कुछ आगे बढ़ते, काम सीखते। हम नेपाल से आए, हमारे वहाँ क्या करे, बच्चे सब बड़े बड़े स्कूल दूर है, पढ़ाने माँ बाप पढ़ाने नहीं सका दूर के वजह से। मैं पंजाब से आई हूँ। मेरी मम्मी डैडी मैंने स्कूल नहीं भेज दी और मेरे को यही कहे हर वक्त जो मैं स्कूल का नाम लूं भी, मम्मी मैं स्कूल जाना है तो कहे जाके खेत जाके साल तोड़ के ले आर मक्के की रोटी बनाते बनाते खिला। हमारे गांव में औरतों की ही पंचायत जुड़ती है, उसमें से हम भी औरतें की पंचायत में रहती हूँ। आमी बांग्लादेश से थी, कैसे थी? गांव में हम काम काज करते थे अपना खेतीबाड़ी में, तो हमें कहां तो हमें टाइम नहीं मिलता था बिल्कुल भी। हम अपना दो रोटी बनाई, जल्दी जल्दी बनाई कर हम अपने खेत में चले जाते थे। तो हमारी ये जो मैडम बैठी है ना, ये हरी हरी साड़ी वाली जो है, इन्होंने हमें बोला कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ लो। हमारे घर गोरखपुर है, शादी वाले ससुरारे गई ना, हम पढ़े लिखे ना ले, हमारे जेठानी का है। अब हम काली भाई हम अब नहीं ससुरे से हम नहीं रह जा, कहे तू यही रहा गोरखपुर के, तू झाड़ू करा पोछा करा, हमारे बेटी के सेवा करा और गोबर पाथा, अब अपने बेटी के सजा धा का स्कूल भेजत रही है। हम काली नाही हम पढ़ा पढ़ा, हम कहीं तू तो पढ़ले नहीं बाटू, हम काली हम पढ़ाव तो हमके मार मर घर में काम करावा, घर में से भाग के और पढ़ली और सबके पढ़ाउली। हम काली पढ़ला और महू पढ़ा सा, दस औरतन के और पढ़ाई ताकि क्यों कुछ हमके उल्लू ना बनावा पर नहीं घर में गोबर पाते हमारे देवरान जो था कहत रही। फिर उन्होंने हम लोगों को एक कॉपी दी, पेंसिल दी और आ ई वगैरह पढ़ा के और आज इतना बना दिया है कि हम लोग गांव से चल के यहाँ पे आपके अखिल भारतीय ग्रामीण महिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं। नमस्कार। बहनों, जैसे आप लोग देश के छोटे छोटे गांव से आई हैं, वैसे मैं भी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव मांढर से आई हूं। वैसे तो हम भी पहले गवार थे, कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। वो हमारी चचेरी सास है ना, वो नानी बहू बैठी है ना, उनकी सास, वो कहती थी कि हम तो आंखें होकर भी अंधे हैं, मतलब हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन पढ़ना हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन वो हमारी परमेश्वरी दीदी है जो हमारी जेठानी है, उनको भी बहुत तकलीफ होती थी, वो भी नहीं जानती थी पढ़ना लिखना। उनके जब पति शहर गए थे तो उनको खत भी नहीं भेज पाती थी वो। लेकिन हमारे स्कूल के मास्टर जी है, उन्होंने परमेश्वरी दीदी को पढ़ना सिखाया और परमेश्वरी दीदी ने हमें पढ़ना सिखाया। अब तो हमारी सास, हमारी गांव की सब बूढ़ी बूढ़ी औरतें पढ़ना लिखना जानती है, पता सब लोग बैठ के पढ़ती है तो बड़ा मजा आता है। पहले तो हमको पढ़ने के लिए कुछ भी पर्चे नहीं होते थे, कुछ भी कागज नहीं होते थे, तो हम लोग क्या करते थे, बनिए की दुकान में जाते थे, अनाज के लिए अलग अलग पुड़िया बांध के लेते थे ताकि उस कागज में जो भी हो वो हम लोग पढ़ सके। हमारा जो कथरी अड्डा है, मतलब हम लोग कथरी सीती है,
तो कथरी अड्डे पर तो हमारे अभी अखबार भी आता है, हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने सरकार को अर्जी भी लिखी है अपने हाथों से, वो नल की योजना के लिए। अब तो हमारे गांव में नल भी आ गया है, डॉक्टरनी भी आती है। हम लोग जो कथरी सीते हैं ना, तो मीता दीदी है जो कि इस महिला सम्मेलन से जुड़ी हुई है, वो क्या करती है, हमारी सारी कथरियाँ ले जाती है शहर में और बिकवाने का प्रबंध करती है, जिससे हमें पैसा मिलता है। उस पैसे से हम लोगों ने एक महिला सहकारी मंडली खोली है, जहाँ हम लोग पैसा जमा करते हैं और गांव में कोई भी औरत को, जो भी औरत मतलब किसी समस्या में हो, तो उसे हम लोग पैसे देकर मदद करते हैं, उसकी आर्थिक मदद करते हैं उसे, तो फिर वो अपना कामकाज कुछ आगे बढ़ा सके, खेती कर सके। आज इस सम्मेलन में हम लोग आए, एक दूसरे की जो समस्याएं थी वो हम लोगों ने एक दूसरे को बताई और हल करने की कोशिश की। बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा जैसे कि जो हमारी छोटी सी दुनिया थी वो अभी बहुत बड़ी हो गई है। और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को आपके यहाँ आकर। नमस्ते, आइए आइए आइए। नानी बहू, ये बहलो वहां जाकर ढेर सारी बातें करें, उनको डरने लगता क्या? तू क्यों नहीं जाते, तू भी जा, बोल दे कुछ। नहीं नहीं, मैं तो आ जाकर सीधी बेहोश हो जाऊंगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, जाना तू। बहनों, प्यारी बहनों, मुझे नानी बहू ने यहां तो भेज दिया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मेरे हाथ पांव बहुत कांप रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन आप लोगों ने भी तो कुछ ना कुछ अपने बारे मुझे सुनाया है ना, और फिर मैं अकेली कहाँ हूँ, आप सब तो हमारे साथ हैं। वो बंगाल की सरस्वती दीदी, वो हरियाणा की दिलजीत कौर, वो हिमाचल की वो बहन, वो लक्ष्मी दीदी, वो नानी बहू, और दिल्ली की हमारी ये समाज सेविकाएं भी तो हमारे साथ हैं, फिर मैं अकेली कहाँ हूँ। बहनों, मेरा आदमी मुझको छोड़ चुका है, मैं आज तक अपने आप को कोसती रही, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी तरह तो आप सबका भी दुख तकलीफ होगा ना, फिर हम क्यों नहीं सब मिल बांट के अपने दुखों को समझे, झेलें, है ना, हम एक नई राह पे तो चल सकती हैं। वो महारानी लक्ष्मीबाई, उसने तो पीठ में बच्चा बांधकर वो शत्रुओं के साथ मुकाबला किया था, फिर हमारे पास ये ज्ञान रूपी शस्त्र जो है, हमारे हाथ में कलम जो है, जिसकी धार तलवार से भी ज्यादा धारदार है, तो फिर क्यों नहीं हम अपने हक की लड़ाई करें, हम भी मर्दों की तरह आगे चलें, कंधे से कंधा मिलाकर। बहनों, मैं एक छोटे से गांव से आई हूँ, मांडर से। जब मैं मांडर में थी तो मुझे नहीं मालूम था कि मांडर से बाहर भी इतनी बड़ी दुनिया है। सचमुच एक मेंढक बन के तो रह गई थी मैं, अब तो मुझे यहाँ के लग रहा है मैं हाथी हो गई हूँ। बहनों, मैंने राजधानी का नाम सुना था, तो मुझे पता नहीं था कि राजधानी क्या होता है, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला, यहाँ पे लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे संविधान नाम का भी चीज होता है, जहाँ के नियम कानून बनते हैं। यहाँ पर ऐसे अधिकार भी बनाए जाते हैं जिसमें कि नारी और पुरुष दोनों को समान अधिकार मिलता है। बहनों, हम सभी बहनें एक दूसरे से मिली जुली, एक दूसरे का दुख दर्द सुना, सच एक दूसरे का दुख दर्द सुनने में बड़ा हिम्मत मिलता है, एक हिम्मत आ जाती है हमें, है ना बहनों। हिम्मत आ जाने से लगता है कि हम एक दूसरे का साथ दे सकती हैं, एक दूसरे से कंधा मिलाकर एक नई दिशा की ओर बढ़ सकती है। ओ नानी बहू, नानी बहू, तुम चुप चुप मेरी बातें सुन रही थी ना, कितना अच्छा बोलती हो। तू उस दिन क्यों नहीं बोली? नानी बहू, उस दिन मुझे बड़ा डर लग रहा था, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे थे। कि नाच नानी बहू, मुझे तो यहाँ बोलने में बड़ा अच्छा लगा, मेरा मन कितना हल्का सा महसूस हो रहा है। नानी बहू, हम सब बहनें अलग अलग प्रदेशों से आई हुई है ना, लेकिन सबका सोचना विचारना कितना मिलता जुलता है। वो बंगाल वाली शाश्वती दीदी, उसका आदमी भी पीता है,
बिल्कुल लक्ष्मी दीदी के आदमी की तरह, लेकिन वो भी लक्ष्मी दीदी की तरह कितनी वीरता से मुश्किलों का सामना करती चली आ रही है। नहीं, और वो हरियाणा वाली दीदी, उसकी सास भी उसे डांटती रहती है मेरी सास की तरह, लेकिन उसकी सास कितनी अच्छी है, उसे यहाँ तक आने दिया। मेरी सास भी कितनी अच्छी है, मुझे भी यहाँ तक आने दिया। और वो मणिपुर वाली बहनें, उन्होंने तो गांव में दारू रुकवाने के लिए बगावत तक की थी, है ना? हाँ, और वो मध्य प्रदेश की फूलवती, वो तो खुद सरपंच है अपने गांव की। हाँ, और वहाँ तो पंच भी औरतें हैं, और कर्नाटक में तो औरतों ने साइकिल सीख ली थी। हाँ, मुझे भी साइकिल सीखनी है। नानी बहू, मुझे तो फटफटिया चलाने का शौक चढ़ा है। मुझे परमेश्वरी दीदी की बहुत याद आ रही है। उसी से तो ये सिलसिला शुरू हुआ था, उसने पढ़ना लिखना सीखा और फिर हमें सिखाया। मुझे तो लगता है सासू जी, फिर बुआ जी, गंगा माई, अपनी रुक्मिणी, तुलसी, बसंती और फिर गोविंद, सब लोग यहाँ होने चाहिए थे। नानी बहू, मेरी सासू को भी यहाँ आना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, और पाटलन ये भी। नानी बहू, मुझे एक मुर्गी फार्म खोलने का बड़ा शौक है। वैसे नानी बहू, हमारे गांव के मर्दों को ये सब चीज बताना चाहिए, उन्हें ये सब जानना बहुत जरूरी है कि औरतें क्या क्या कर सकती हैं, है ना? हाँ, बहुत ही सच्ची बात है। लक्ष्मी दीदी, तुम लोग सब यहाँ पर बैठी हुई हो, पता है तुमको मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? वहाँ पर कमरे में भी देखा तुम लोग नहीं थी, वहाँ पर मैदान में भी देखा तुम लोग नहीं थी। मैं कितनी डर गई थी, दिल्ली देखने नहीं जाना है क्या तुम लोगों को? वहाँ पर सारी बसें निकलने वाली है अभी, औरतें भी यहाँ देख रही है तुम्हारी। क्या कर रहे थे तुम लोग यहाँ पर? क्या हुआ? अरे चलो 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 जल्दी करेंगे, बोलो यहाँ देख रही है हमारी। प्यारी परमेश्वरी दीदी, अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि मैं अभी यहाँ इस बस में बैठकर दिल्ली देख रही हूँ। कहाँ से कहाँ का ये सफर है, मांधर से दिल्ली, मतलब चार दीवारी के अंदर की छोटी सी दुनिया से अपने देश के राजधानी तक। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो कैसी है, ऐसी क्यों है, ये अभी अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। इस सम्मेलन में अपने देश के कोने कोने से बहने आई है, पहनावा अलग है, भाषा अलग है, पर भावना और अनुभव एक ही है। हम औरतों को भी दिमाग की कमी नहीं है, तो भी हम इतनी डरपोक क्यों हैं, इतनी अनाड़ी क्यों हैं? कुछ बनने के लिए हमें इतना झगड़ना क्यों पड़ता है? दीदी, शायद आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हमको शिक्षा की ही जरूरत है, समाज के कानून बदलने की जरूरत है शायद। हमने यहाँ संसद देखी, जहाँ देश के कानून बनते हैं। गांव में पंचायत बैठती है ना? हमने महात्मा गांधी जी की समाधि देखी। मैडम बता रही थी, महात्मा गांधी ने तो औरतों को राजनीति में आने के लिए आह्वान किया था। वो कहते थे, अगर राजनीति सत्य पर चलने वाली होनी चाहिए तो इसमें बहनों का भी सहभाग जरूरी है। हमने लाल किला देखा। इस लाल किले पर से हर साल स्वतंत्रता के दिन 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री देश के साथ बात करते हैं। हमने कुतुब मीनार देखा। कुतुब के बाहर गरीब बच्चों का एक खेल चल रहा था। मुझे लगा, बिना शिक्षा गरीबी, और गरीबी के वजह से शिक्षा नहीं। इस चक्र का परिणाम गुलामी के सिवा और क्या हो सकता है? ये चक्र हमें तोड़ना होगा। क्यों ना हम कम से कम अपनी अपनी जिंदगी से, अपने अपने घर से, अपने अपने गांव से इसकी शुरुआत करें।
तो आखिर है हम सबका, हमने जाना सबक ये पक्का। वही तो काला अक्षर भैंस बराबर मेरी जिंदगी भैंस बराबर अपस मेरी भैंस बराबर काला अक्षर भैंस बराबर भैंस बराबर काला अक्षर भैंस